हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स के फंडे, द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यहाँ पे हम दो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स के क्लास 12th के, उसमें हम स्टेटिक चार्ज को पढ़ाई करने वाले, स्टेटिक चार्ज को पढ़ने वाले हैं। मतलब वी हैव टू स्टडी अबाउट चार्ज व्हेन दे आर एट रेस्ट कंडीशन। इन थर्ड चैप्टर एंड आफ्टर थर्ड चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट चार्ज व्हेन दे आर इन मूविंग कंडीशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 12th। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक? इट इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज when they are at rest condition. What is electrostatic? It is nothing but branch of physics which deals with the study of electric charge when they are at rest condition. Okay, what is electrostatic? Understand? Okay, chalo. So now we have to study about electric charge. We have an electric charge. Before going to study about electric charge, we have to know about history of electric charge or history of the concept of electrostatic. Okay, so यहाँ पे हम ले लेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने से पहले हम थोड़ी क्या देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज और वी कैन से इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री है, उसको हम समझ लेते हैं। द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, वॉज गिवन बाय थेल्स ऑफ मिलेटस। व्हाट इज द नेम? द फर्स्ट कंसेप्ट वॉज गिवन बाय थेल्स ऑफ मिलेटस। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में फर्स्ट कंसेप्ट दिया था, ठीक है। उसके बाद अच्छा, वो कहाँ के थे? ही वॉज फ्रॉम ग्रीस एंड इट वॉज अबाउट 600 BC। ओके, द कंसेप्ट वॉज गिवन बाय थेल्स ऑफ मिलेटस एंड इट वॉज अबाउट 600 BC बिफोर ग्रीस। ओके अच्छा, तो आफ्टर दैट, उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। उन्होंने क्या किया था, थेल्स ने क्या किया था, उन्होंने एक एम्बर ले लिया। एम्बर इज नथिंग बट अ सब्सटेंस, रेजिनियस सब्सटेंस, और उसने वुल के साथ, वुल का क्लॉथ ले लिया और उसके साथ उसने क्या किया, रब किया। ओके, रबिंग किया उसने। अच्छा, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एम्बर, ठीक है। एम्बर क्या होता है, तो एक रेजिनियस मटेरियल होता है, येलो इस टाइप का, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, ये होता है हमारा एम्बर, रेजिनियस मटेरियल, और उसने, किसने, थेल्स ने क्या किया, ये एम्बर को किसके साथ, सिल्क या वुल, ये दोनों में से कोई भी, मतलब उसने लिया था, ठीक है, क्लॉथ लिया था और उसके साथ उसने रब कर दिया। अभी जैसे ये वाला एम्बर ये सिल्क के कपड़े के साथ रब किया, उसके बाद ही हैज ऑब्जर्व्ड दैट ये सिल्क, ये जो हमारा एम्बर है वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे कुछ डस्ट पड़ा है, कुछ पार्टिकल्स पड़े हैं, तो वो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर और वो पार्टिकल उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। द मेन एक्सपेरिमेंट दैट वॉज डन बाय मैनी साइंटिस्ट वॉज दैट अबाउट ग्लास रोड एंड प्लास्टिक रोड। सो वी विल स्टडी अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट लिटल बिट, क्लियर। अच्छा, इतना लिख लो जल्दी से, हो गया, ओके। तो हिस्ट्री में हम स्टार्ट किया कि भाई द फर्स्ट कंसेप्ट वॉज गिवन बाय थेल्स ऑफ मिलेटस फ्रॉम द ग्रीस इन 600 BC। अभी उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए, उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। काइट, उनका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो उनका एक्सपेरिमेंट था ना, दैट वॉज द काइट एक्सपेरिमेंट,
ओके, उसके लिए मैं छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए और वो मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वहां पे जाके देख लेना, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसकी हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, क्या कि एक ग्लास रोड ले लिया, दो ग्लास रोड ले लिए और दोनों ग्लास रोड, एक ग्लास रोड जो था उसको नायलॉन के थ्रेड से क्या कर दिया, उसको बांध दिया ऐसे ऊपर, ठीक है ना, ऐसे नायलॉन, अभी नायलॉन थ्रेड है मतलब ये नायलॉन थ्रेड कैसा होता है, नायलॉन थ्रेड वो कैसा होता है बताओ मुझे, इंसुलेटेड होता है, ठीक है ना। इंसुलेटेड मतलब जिसके अंदर, मतलब हम बोल सकते हैं कि करंट फ्लो नहीं हो सकता है, चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है, अगर उसको हम अटैच कर देंगे तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज होगा वो ट्रांसफर नहीं होगा। और हमने क्या कर दिया, दूसरा ग्लास रोड ले लिया, ठीक है, दूसरा ग्लास रोड। अभी हमने क्या किया, ये दोनों मतलब ये वाला जो हमने ग्लास रोड यहाँ पे लगा दिया है उसको भी हमने सिल्क के साथ पहले रब कर दिया था, उसके बाद यहाँ पे लगाया, और दूसरा जो हमने लिया उसको भी हमने क्या किया, एक सिल्क क्लॉथ ले लिया था उसके ऊपर रब करके, अभी हम क्या कर रहे हैं, इंसुलेटेड इसके ऊपर ऐसे कपड़ा रख के उसको पकड़ के उसके नज़दीक लेके गए। जैसे हम इसके नज़दीक लेके गए, ठीक है, जैसे इसके नज़दीक लेके, ये कौन से रोड है, दोनों कैसे रोड है, ग्लास रोड है, ठीक है ना, दोनों कैसे हैं, ग्लास रोड, ये भी ग्लास रोड और ये भी ग्लास रोड। जैसे मैं इसके नज़दीक लेके गया, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ और दैट ऑब्जर्वेशन वॉज रिपल्सन बिटवीन टू रोड्स। जैसे यहाँ से मतलब जैसे हम यहाँ पे ये रोड लेके गए तो क्या हुआ, ये जो रोड था ना वो ऐसे, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे हमने रोड एक लटका दिया है और यहाँ से जैसे मैं लेके गया तो ये इससे दूर भागने लगा, यहाँ से इसको रिपल्सन हुआ, यहाँ आप लेके आओगे तो ये ऐसे रिपेल होने लगा और एक मतलब ये इससे दूर भागने लगा, ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि ग्लास रोड की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, प्लास्टिक रोड दोनों ले लिए, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दो ग्लास रोड लिए थे वैसे उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे दो प्लास्टिक रोड ले लिए, ठीक है ना, दो प्लास्टिक रोड, एक प्लास्टिक रोड को स्ट्रिंग से लटका दिया, ठीक है, और दूसरा जो हमारा प्लास्टिक रोड था यहाँ पे ये नायलॉन, ठीक है ना, नायलॉन थ्रेड से हमने यहाँ पे लटका दिया, और दूसरा जो हमारा था प्लास्टिक रोड उसको हमने हाथ में पकड़ लिया, इसके ऊपर ऐसे कपड़ा इंसुलेटेड कपड़ा लगा के ऐसे हाथ में पकड़ लिया। अच्छा, अभी इसके ऊपर कुछ चार्ज हुआ था, मतलब कुछ चार्ज था क्योंकि हमने उसको रब किया था क्लोथ के साथ, और इसके ऊपर भी कुछ चार्ज है क्योंकि उसको भी हमने रब किया है क्लोथ के साथ। अच्छा, जब मैं इसको नज़दीक लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, तो ऑब्जर्वेशन वॉज रिपल्सन बिटवीन टू रोड्स। यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि दोनों ग्लास रोड है, दोनों को हमने सिल्क के साथ रब कर दिया, दोनों में हमें रिपल्सन देखने को मिला। यहाँ पे भी सेम कंडीशन हुई, यहाँ पे भी क्या हुआ, ये रोड जो था वो रिपेल हो गया जब मैं ये रोड लेके गया उसके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हुई कि यहाँ पे भी हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, रिपल्सन बिटवीन टू रोड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि कुछ चेंज किया, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए, ठीक है ना, उसमें एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, कुछ चेंज किया, और दैट चेंज वॉज दैट कि एक ये देखो यहाँ पे ये कौन सा रोड था हमारा, प्लास्टिक रोड, ठीक है, ये भी कौन सा रोड था, प्लास्टिक रोड था। अभी क्या किया, एक प्लास्टिक रोड ले लिया और एक ग्लास रोड ले लिया और यहाँ पे ऐसे लटका दिया। देखो एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए गए हैं, ये सब हमारा जो कंक्लूजन आता है उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन आता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या किया कि एक यहाँ पे हमारा प्लास्टिक रोड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमें कौन सा रोड ले लिया, ग्लास रोड ले लिया। तो जब प्लास्टिक रोड को हमने लगा दिया ऐसे, इसको सिल्क के साथ घिस के लगा दिया ऐसे, नायलॉन थ्रेड के साथ, मतलब नायलॉन स्ट्रिंग के साथ ऐसे लटका दिया, नायलॉन थ्रेड क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने ग्लास रोड ले लिया, ठीक है ना,
ये हमने ग्लास रोड ले लिया, और जैसे हम उसके पास लेके गए तो ये प्लास्टिक रोड था वो उसके उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ। मतलब यहाँ पे कुछ क्या ऑब्जर्वेशन मिला हमें, यहाँ पे देखो आप रिपल्सन हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ रिपल्सन हुआ, लेकिन ये जगह पे क्या ऑब्जर्वेशन मिला हमें, थर्ड पॉइंट में हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन टू रोड्स। ठीक है, दो रोड्स के बीच में क्या मिला हमें, अट्रैक्शन मिला। तो ये सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन मिला, और दैट कंक्लूजन वॉज कि देर आर टू एंटिटीज विच आर नेम्ड एज अ चार्ज। यहाँ पे दो कोई ऐसी चीज है या फिर कुछ है, एंटिटीज मतलब कुछ है जिसकी वजह से ये दोनों में रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे दोनों में रिपल्सन हो रहा है और यहाँ पे दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, चार्ज नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद का जो कंसेप्ट आया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने क्या किया कि इसके उसका नाम दे दिया, क्या नाम दिया कि एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा और एक के ऊपर नेगेटिव, मतलब चार्ज को नाम दे दिया, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, विच वॉज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ओके, अच्छा, एक काम करते हैं, मैं कंक्लूजन आपको लिखवा देता हूं, उससे पहले एक काम करो, आप ये वाला जो है वो फिगर बना दो। चलो पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद ये वाला फिगर बना दो। मैंने उससे पहले कुछ लिखवाया था, हाँ वो भी आप लिख लेना पोज करके। ठीक है, मैंने टाइम दिया था आई थिंक। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो तो हम कंक्लूजन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, ओके, जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुए थे उसका जो कंक्लूजन है वो हमें क्या मिला, तो फर्स्ट कंडीशन मतलब फर्स्ट कंक्लूजन वॉज दैट कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज विच आर नेम्ड एज चार्ज। ओके, सो वी कैन राइट देर आर ओके अच्छा, उसके बाद सेकंड देखो, यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पे फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला कि हमारे पास एक ग्लास रोड था, प्लास्टिक रोड था, दोनों ग्लास रोड में रिपल्सन हो रहा था, दोनों प्लास्टिक में रिपल्सन हो रहा था, लेकिन प्लास्टिक और ग्लास में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, इससे हमें कंक्लूजन में ये मिला कि देर आर टू एंटिटीज इन दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज इन ग्लास रोड एंड प्लास्टिक रोड देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज विच आर नॉन एज चार्ज। ओके, रोड के ऊपर मतलब प्लास्टिक रोड के ऊपर कुछ है और ग्लास रोड के ऊपर कुछ है। ठीक है, और दोनों अलग अलग है जिसकी वजह से रिपल्सन और अट्रैक्शन हुआ। ठीक है ना, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, चार्ज। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट हमारा था मतलब कंक्लूजन मिला वो क्या था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब यहाँ पे देखा कि मैंने जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया या वूल के साथ रब किया तो उसके पास इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, जब मैंने प्लास्टिक रोड को रब किया उसके पास भी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। ठीक है ना, तो प्लास्टिक प्लास्टिक में रिपल्सन हुआ, ग्लास ग्लास में रिपल्सन हुआ, लेकिन प्लास्टिक और ग्लास में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है कुछ, लेकिन वो इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है वो दो टाइप का हो रहा है। ठीक है ना, देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे दोनों लाइक जैसे ग्लास रोड देर इज रिपल्सन, प्लास्टिक रोड देर इज रिपल्सन, बट डिफरेंट टाइप के एंटिटीज या डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ कि प्लास्टिक और जब रोड ग्लास रोड को टच करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रिफिकेशन मिले हमें, किस में, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें, ग्लास में अलग प्लास्टिक में अलग। ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन
ऑब्जर्व्ड इन गिवन एक्सपेरिमेंट। ओके, एंड वॉज फर्स्ट लाइक चार्जेस, यहां पे हमने चार्ज डिफाइन कर दिया, ठीक है। लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं यहां पे, प्लास्टिक प्लास्टिक रोड और ग्लास ग्लास रोड में क्या हो रहा है, यहां पे रिपल्सन हो रहा है। ओके, रिपेल इच अदर, ठीक है ना, रिपेल इच अदर, और वी कैन से रिपेल्स। यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक चार्ज मतलब जैसे ग्लास रोड प्लस ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड प्लस प्लास्टिक रोड, ठीक है। तो यहां पे क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिला, रिपल्सन मिला, ठीक है। अच्छा, और सेकंड जो था अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं यहां पे, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है ना। यहां पे अनलाइक चार्ज में क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन मिला है, अनलाइक में अट्रैक्शन मिला है। मतलब जब हम ग्लास को प्लास्टिक के साथ लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, हमें अट्रैक्शन मिल रहा है दोनों के बीच में, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट, इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं, ठीक है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत काम किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उसको नाम दे दिया, हमारा जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन जो मिला हमें कि यहाँ पे जो लाइक चार्ज है वो रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट कर रहे, तो लाइक और अनलाइक चार्ज को मतलब कुछ नाम दे दिया, और वो दैट वॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आ गया, ओके। अच्छा, सो थर्ड पॉइंट वॉज द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको नाम दे दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो नाम हमें यहाँ पे मिला वो किसके बेसिस पे मिला, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगाया उन्होंने। कैसे, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव को नेगेटिव में ऐड करता हूँ इक्वल क्वांटिटी को, तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव लेके आए, रिपल्सन हुआ, एक दूसरे की इफेक्ट को वो कैंसिल नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है। नेगेटिव नेगेटिव लेके आया, मतलब यहाँ पे अभी देखो ग्लास रोड को पॉजिटिव बोल दिया, प्लास्टिक को नेगेटिव बोल दिया, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव उसके ऊपर प्यू नहीं लिखा था, उसके पीछे का भी रीजन है और वो मैं आपको नेक्स्ट समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। आप घबराना मत कि सर इसने इसके ऊपर आपने कुछ लिखा नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो हमें दे के रखी है बुक में, डोंट वरी, आप उसको कर सकते हो समझने के लिए कि ग्लास रोड पे पॉजिटिव, लेकिन ग्लास रोड पे क्यों पॉजिटिव, प्लास्टिक रोड पे क्यों पॉजिटिव, ये भी हम पढ़ने वाले, ठीक है ना। अच्छा, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको दो नाम दे दिया, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, सो फोर्थ पॉइंट वॉज दैट, वॉट वॉज इट, कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसके बेसिस पर, तो मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाया उन्होंने कि भाई दो अट्रैक्ट मतलब दोनों में रिपल्सन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो और पॉजिटिव हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे, नेगेटिव नेगेटिव नज़दीक ला रहा हूँ तो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट नहीं कैंसिल कर रहे, लेकिन पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लाने से, पॉजिटिव को अगर मैं नेगेटिव में ऐड कर दूंगा लेकिन वैल्यू अगर सेम रहेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो चलो अच्छा, दिस नोमेनक्लेचर वॉज गिवन बिकॉज द चार्ज कैन बी एडेड विल बी जीरो, कहाँ पे, सपोज हमने क्या किया, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लेके आए
तो यहाँ पे रिपल्सन मिला, मतलब ये नेगेटिव को अगर नेगेटिव के पास लेके आया तो वहां पे भी क्या मिला, रिपल्सन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव को लेके आने से उसकी इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाए, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेके आता हूँ तो वहां पे जीरो हो जाता है, मतलब पॉजिटिव को अगर मैं नेगेटिव से प्लस कर देता हूँ तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। और ये मैथमेटिकल टू मतलब मैथमेटिक का कंसेप्ट लगा के उसको नाम दे दिया, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अभी जो हमारा था वो स्ट्रिंग, आपने जो फिगर बनाई उसमें हमारा ग्लास रोड है उसको हम ऐसे पॉजिटिव कर देंगे, और जो प्लास्टिक रोड जो है हमारा उसको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो अभी अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव पे आए हैं, इसका कंक्लूजन मिला हमें, तभी जाके हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी भी कंसेप्ट एक रह जाता है कि ये क्यों पॉजिटिव, ग्लास रोड क्यों पॉजिटिव और प्लास्टिक रोड क्यों पॉजिटिव, उसके पीछे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। चलो पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज पे। चलो तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। ये तो कंक्लूजन हो गया हमारा, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसका कंक्लूजन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें पता चल गया कि एक को हमने पॉजिटिव नाम दे दिया और एक को नेगेटिव, लेकिन किसको पॉजिटिव देना है और किसको नेगेटिव देना है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके वर्क फंक्शन, ऑब्जेक्ट के वर्क फंक्शन के ऊपर। वर्क फंक्शन के बारे में हम ड्यूअल नेचर में पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी, लेकिन आप थोड़ी सी बात ध्यान में ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे हम बात करेंगे अभी किस चीज़ की, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है, तो इट इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कॉम्पोनेंट्स विच हैव अ विच गेन अ पोलेरिटी वेन रब्ड विथ इच अदर ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या से क्या है, मतलब वो एक सीरीज है, ठीक है ना। वो एक सीरीज है जिसमें उसकी पोलारिटी, सपोज मेरे पास ग्लास है और वुल है, तो मैंने इस ग्लास और वुल को रब किया तो ग्लास के पास कौन सी पोलारिटी आई और वुल के पास कौन सी पोलारिटी आई, ठीक है ना। ये जो था ना, एम्बर को मैंने वुल के साथ रब किया, ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। तो एम्बर को क्लोथ के साथ हम रब करते हैं तो कहाँ क्या होता है, एम्बर को एक चार्ज मिल जाता है और वुल को एक चार्ज मिल जाता है, क्या हो रहा है वो आपको मैं बाद में समझाने वाला हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, ओके, वी कैन डिफाइन इट एज, इट इज सीरीज विच प्रोवाइड्स, विच प्रोवाइड्स, व्हाट इज इट प्रोवाइड्स, द पोलारिटी, विच प्रोवाइड्स द पोलैरिटी, अच्छा पोलारिटी, व्हाट इज पोलारिटी, ध्रुवत्व, पोलारिटी, ओके, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पोलारिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन रब्ड विथ अदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, इट इज नथिंग बट अ सीरीज विच प्रोवाइड्स द पोलारिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ व्हेन रब विथ द अदर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो तो ये सीरीज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना, आपके कंसेप्ट क्लियर होना अबाउट पोलैरिटी ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, वो आपको पता होना चाहिए कैसे आया उसके बारे में। ये जो पोलैरिटी हमें मिल रही है, एक पॉजिटिव हो रहा है एक नेगेटिव हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट, वो थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि यहाँ पे ग्लास रोड ले लिया, ठीक है, और उसको मैंने एक वुल का क्लोथ था उसके साथ मैंने उसको रब कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज जो है कुछ नहीं है, जीरो है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो भी कैसा है, जीरो है। जैसे मैं इसको इसके साथ रब करता हूँ तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ ट्रांसफर, व्हाट हियर हैपन कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, सो यहां पे क्या हुआ, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट बात क्या हुई, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्चुअल ट्रांसफर होता है। अभी अभी किसका किसके साथ, सपोज मैंने ये वाला रोड ग्लास, ये जो हमारा था ग्लास था, तो हमने क्या कर दिया, इसको प्लास्टिक का रोड ले लिया, तो प्लास्टिक रोड नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्यों हुआ, ठीक है ना। तो दैट वॉज द कंसेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन हायर वर्क फंक्शन होगा उसके पास जाएगा। ओके, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट और अ बॉडी विच हैज लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। समझ में आया, मतलब यहाँ पे देखो आप, यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ग्लास रोड से हमारे इलेक्ट्रॉन सिल्क पे आ गए, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा ऑटोमेटिकली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफर हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन जो है हमारे पास, ये वर्क फंक्शन, व्हाट इज द वर्क फंक्शन दैट वी विल स्टडी इन द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट उसमें हम पढ़ने वाले, ठीक है, ड्यूअल नेचर में हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो वर्क फंक्शन जो है वो क्या होता है कि जैसे इसका वर्क फंक्शन कम था तो इसका इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल के, इसका वर्क फंक्शन जो है वो ज़्यादा है, वर्क फंक्शन इज लेस, और यहाँ पे जो हमारा वर्क फंक्शन होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, दैट इज मोर, ठीक है। इसको हम फाइ से इंडिकेट करते हैं, फाइ से इंडिकेट करता है, ठीक है। ये सिर्फ ये आपको ध्यान, आप सिर्फ लिख के रखो, ठीक है। ये आपको हम नेक्स्ट, मतलब जब चैप्टर हमारा सातवां चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, तब आप ये देख लेना, ड्यूअल नेचर में हम पढ़ लेंगे ये सब, ठीक है। वर्क फंक्शन का कंसेप्ट वहाँ पे ज़्यादा सॉल्व होगा, यहाँ पे आप, लेकिन कंसेप्चुअली हमें चलना है, तो फिर ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्यों ये ग्लास का रोड जो है वो पॉजिटिव हुआ और क्यों प्लास्टिक रोड नेगेटिव हुआ। तो दैट इज नथिंग बट ड्यू टू द वर्क फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज इसका वर्क फंक्शन कम था तो क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। अभी वर्क फंक्शन क्या होता है वो मैं बाद में करने वाला हूँ, क्योंकि अभी करवाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत वो डीप में चला जाएगा, दैट वी विल नॉट कवर इन दिस टॉपिक, पर्टिकुलर इन दिस टॉपिक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे एक ऑब्जेक्ट टू, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो बाय यूजिंग ऑल दिस कंसेप्ट्स एंड बाय मेकिंग एंड मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक सीरीज बना दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, बहुत बड़ी सीरीज है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा, मतलब हमारा जो हमें पढ़ने में आने वाला है उतना हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो है हमारी सीरीज, उसमें हमने ग्लास ले लिया, उसके बाद हमारा आ गया नायलॉन हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा वूल, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सिल्क, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हार्ड मेटल, उसके बाद आ जाएगा हार्ड रबर, ठीक है, और लास्ट रहेगा हमारा प्लास्टिक, ठीक है। अभी देखो इसमें ना बहुत सारा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बहुत बड़ी है, लेकिन हमें मतलब जो चाहिए वो इतना ही इम्पोर्टेंट, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इतना ही। जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाना व्हाट डज इट मीन, इट मीन दैट मैं अगर इसको इसके साथ रब करता हूँ, इसको इसके साथ रब करता हूँ, इसको इसके साथ रब करता हूँ, तो प्लास्टिक को अगर हार्ड रबर के साथ रब कर रहा हूँ तो प्लास्टिक विल गेट नेगेटिव साइन एंड हार्ड रबर विल गेट पॉजिटिव साइन। मतलब जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारी साइन जो है वो कैसी होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी। जैसे मैंने नायलॉन को ग्लास के साथ रब किया तो नायलॉन नेगेटिव हो जाएगा, ग्लास पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे मैं नीचे आता हूँ वैसे क्या होता है, ये हमारी जो साइन है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सीरीज में जैसे हम नीचे आते हैं तो नीचे वाला नेगेटिव होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है, समझ में आ गया।
और जैसे हम ऊपर जाएंगे तो नीचे ऊपर वाला पॉजिटिव होता जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव। सपोज मैंने क्या किया, ग्लास को नायलोन के साथ रब किया, तो ग्लास क्या हो जाएगा पॉजिटिव और नायलोन क्या हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर मैं नायलोन को वूल के साथ करता हूँ तो वूल तो नायलोन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और वूल क्या हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं सिल्क के साथ करता हूँ तो वूल क्या हो जाएगा पॉजिटिव और सिल्क क्या हो जाएगा नेगेटिव। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ऊपर वाला पॉजिटिव होता जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नीचे वाला नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। और ये सीरीज जो है ना वो मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए, एक एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा वर्क फंक्शन। ये कंसेप्ट से और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये पूरी सीरीज बहुत बड़ी सीरीज है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इतनी ही सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सीरीज का इतना ही पोर्शन हमारे पास मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि मैंने ये प्लास्टिक रोड लिया, ठीक है, कौन सा रोड लिया, प्लास्टिक रोड लिया। तो प्लास्टिक रोड को अगर मैं सिल्क के साथ अगर मैं रब कर रहा हूँ तो मुझे कौन सा मिलेगा चार्ज, प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, प्लास्टिक लिया है उसको मैंने सिल्क के साथ रब किया है। अच्छा, तो आप देखोगे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में ऊपर कौन है सिल्क, नीचे कौन है प्लास्टिक, मतलब जो नीचे है वो नेगेटिव जो ऊपर है वो पॉजिटिव। तो हमारा ये प्लास्टिक जो है वो हो जाएगा नेगेटिव और सिल्क जो है हमारा क्या बन जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने ग्लास रोड ले लिया, ठीक है, ग्लास रोड ले लिया, ठीक है। ग्लास रोड को मैंने वूल के साथ, हम यहाँ पे वूल लेते हैं, ठीक है, तो वूल के साथ मैंने क्या किया रब कर दिया, यहाँ पे ये वाला ग्लास रोड ले लिया। तो अभी देखेंगे आप अभी यहाँ पे देखेंगे आप कि वूल, ठीक है, ये सीरीज में हम देखेंगे कि अगर वूल में देख रहा हूँ, ठीक है, और ग्लास देख रहा हूँ, कौन नीचे कौन है, नीचे कौन है वूल, जो नीचे रहेगा वो नेगेटिव, जो ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे ग्लास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास जो वूल है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर सेम कंडीशन में ये वूल और प्लास्टिक में करता तो क्या हो जाता, वूल पॉजिटिव हो जाता, प्लास्टिक नेगेटिव हो जाता, ठीक है ना। देखो यहाँ से वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन का ऐसा मतलब वर्क फंक्शन जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसके उसका वर्क फंक्शन कम होता है। तो प्लास्टिक का वर्क फंक्शन कैसा होगा बताओ, वूल से प्लास्टिक का वर्क फंक्शन कैसा होगा। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे, मैंने आपको बता दिया कि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, तो जिसका लोअर वर्क फंक्शन होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन हायर वर्क फंक्शन वाले के पास जाएगा। तो यहाँ पे प्लास्टिक का वर्क फंक्शन 5 ऑफ प्लास्टिक इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो वूल का जो वर्क फंक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा किसकी, ग्लास की कंपेयर में। समझ में आ गया, ओके। तो ये हो गए हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, क्लियर। चलो लिख लो इसको जल्दी से, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्कोप और उसके बाद हम करते हैं आज का लेक्चर क्लोज, ठीक है, हो गया। चल इरेज कर देता हूं, अभी हमने चार्ज तो फाइंड कर लिया कि भाई कैसे हमने चार्ज बनाया, किसके ऊपर चार्ज कैसे बनता है, क्या ये सब हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई चार्ज है ये मुझे जानना है, इसको मुझे मतलब समझना है कि ये कोई मेरे पास सपोज ये वाला चौक है इसके पास चार्ज है या नहीं, ये अगर मुझे जानना है तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए एक डिवाइस होता है, द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्कोप। समझ में आ गया, ओके चलो। सो वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप। What is electroscope? It is nothing but an device which is used to detect the charge on any body. ठीक है ना? Okay. So we will write here. It is a device which is used to detect charge on any
बॉल, ठीक है। वो दिखने में कैसा होता है आप देख लो, यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ, मतलब ये जो हमारा आप फिगर जो देख रहे हो या पिक्चर जो देख रहे हो ना, ये होता है इलेक्ट्रोस्कोप। आप देखेंगे कि एक जो रोड है वो हमारा ग्लास है उसके अंदर आ रहा है, ऊपर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जैसा रहता है, उसके ऊपर अगर हम कोई चार्ज्ड बॉडी, आगे चार्ज्ड बॉडी आप रखोगे तो वो जो लीव्स है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं हम, क्योंकि वो लीव्स गोल्ड के होते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रोस्कोप है वो ऐसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रो, मतलब जैसे रख दिया उसके ऊपर, तो वो ऐसे, मतलब दो लीव है जो ऐसे होते हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन होता है दोनों के बीच में, ठीक है। क्या हो रहा है, चलो मैं यहाँ पे बना के समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई कुछ इस तरह की साइज का क्या है, ग्लास, मतलब जिसको हम देख सकते हैं ना, ग्लास का जार है, ठीक है। यहाँ पे बूस्ट लगाया रहता है और यहाँ पे एक रोड जो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अभी ये रोड यहाँ पे जो है ना, वो गोल्ड के लीफ रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं गोल्ड लीफ, ठीक है, जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, और इसके ऊपर हमारे पास जो होता है वो प्लेटफॉर्म होता है ऐसा, ठीक है, इस तरह का कुछ होता है। मतलब बहुत बहुत जगह पे आप ऐसे भी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे दो लीव्स हो जाएंगे, इसके ऊपर प्लेटफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का आपको भी मतलब आपको देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा। जनरली ये वाला इजी रहता है। ये सब जो जार होती है ना, वो कैसी होती है, ग्लास की होती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। ये ग्लास का मटेरियल होता है तो हम देख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा होता है वो कंडक्टिंग रोड होता है, ठीक है ना। कौन सा रोड होता है, कंडक्टिंग रोड होता है, ठीक है। ये भी हमारा कैसा होता है, कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये ग्लास जार होती है, ग्लास जार, और ये जो होते हैं ना गोल्ड लीफ होते हैं, क्या होते हैं, गोल्ड लीफ। इसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं वो ग्लास रोड हमने ले लिया, इसके पास क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। दूसरा मैंने क्या ले लिया, कौन सा रोड ले लिया, प्लास्टिक रोड ले लिया, उसके पास क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। जैसे मैं ये हमारे पास जो ग्लास रोड है उसके ऊपर, मतलब उसको इसके ऊपर रखूँगा तो क्या होगा, वॉट वी विल ऑब्जर्व। यहाँ से चार्ज, ये कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म है, ये कंडक्टिंग रोड है, तो यहाँ से चार्ज, देखो चार्ज, इसके पास चार्ज है और इसके पास अगर चार्ज नहीं है, इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज, इसको कांटेक्ट में लाने से इसके अंदर भी चार्ज क्रिएट हो, मतलब यहाँ से ये चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वो क्या हो रहा है वो आगे बढ़ने वाले, डोंट वरी, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ तक, ये गोल्ड लीफ तक, ठीक है ना। जैसे गोल्ड लीफ के पास ये हमारे पास चार्ज आ गया, तो इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा हमें, रिपल्सन। वो ये जो हमारा, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि ये कुछ था इस तरह से गोल्ड लीफ, जैसे हमने कुछ इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज रख दिया तो ये जो लीफ है ना वो इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रख दी तो ये लीफ कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया, ओके। तो ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोस्कोप, और उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज होता है, ओनली टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन द बॉडी, कौन सा चार्ज है वो, दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्कोप, ओनली इफ ऑब्जेक्ट हैज चार्ज और नॉट दैट इलेक्ट्रोस्कोप विल गिव, ओके, समझ में आ गया, ओके। चलो, तो आज का चैप्टर हम, मतलब आज का लेक्चर जो है हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत सारा पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। फिजिक्स में बहुत वास्ट, मतलब बहुत डीप में, और बहुत सारा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो चलो, आप नोट डाउन करते रहना, पढ़ाई करते रहना, ऑल द बेस्ट।